साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2021-22 के लिए इस समय भाषा यानी व्याकरण जिसके 15 प्रश्न आते हैं उसको मैं जो प्रतिदिन वीडियो बना रहा हूं और आप तक मिल रहे होंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान, फिर गणित और उसके बाद जो है तर्क शक्ति और अंग्रेजी के भी प्रश्न पत्र बनेंगे। तो आइए आज पांचवा हमारा ये वीडियो क्रमांक यानी पांचवा वीडियो है जिसमें आज हम बताएंगे कि व्याकरण के अंतर्गत लिंग क्या होता है और लिंग के भेद कौन कौन से और इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो और देखते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो जिसमें आपको लिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग, जिसको हम अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं और हिंदी में उसे लिंग कहते हैं। तो जो संज्ञाएं होती हैं या तो वो स्त्रीलिंग होती हैं या फिर वो पुरुषवाचक होती हैं, यानी स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परिभाषा इसकी देखें कि संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जात यानी वो स्त्री या पुरुष का बोध होता हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो आइए हम इसको कई उदाहरणों से आपको समझाता हूँ कि आखिर ये लिंग होता क्या है। तो देखिए उदाहरण हमारे पास आ गए कि जैसे पुरुष जाति के लिए बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, पंखा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि का जब हम कहते हैं तो इससे ये बोध होता है कि ये पुरुष जाति के। स्त्री जाति में जैसे गाय है, बकरी है, मोरनी है, मोहिनी है, लड़की है, हथिनी है, शेरनी है, घोड़ी है, खिड़की है, कुतिया है, माता है, बहन है आदि है। इनकी जब हम नाम लेते हैं तो देखिए दो ही प्रकार की संज्ञाएं समझ में आ रही हैं, वो या तो वो पुरुषवाचक हैं या फिर वो स्त्रीवाचक हैं। तो इनके कौन कौन से दो भेद हैं उनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं और इनको कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो जैसा कि उदाहरणों से ही स्पष्ट हो गया था कि लिंग के दो भेद आपको याद रखना आएगा अगर परीक्षा में कि लिंग के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद उनके नाम याद रखने हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा पुल्लिंग है उसका क्या मतलब है। हालांकि आप समझ गए होंगे पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध हो, यानी जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग से हम स्त्री जाति का बोध हो तो उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। बस इतना ही आप जान लीजिए। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं यहाँ पर हम 20 से 25 शब्द आपको जरूर देंगे जिनको आप देख करके बहुत आसानी से इन्हें चुन सकते हैं, और इस पर जो विशेष टिप्पणियाँ हैं वो भी हम यहाँ पर जरूर करेंगे जिससे आप तक ऐसा प्रश्न कभी छूटे ना। अब आपके सामने जैसे पुल्लिंग घोड़ा है तो घोड़ा का घोड़ी बनेगा स्त्रीलिंग, दूल्हा का दुल्हन बनेगा, वर का वधू बनेगा, भाई का बहिन बनेगा, राजा का रानी बनेगा, और पुरुष का स्त्री बनेगा, लड़का का लड़की बनेगा, अभिनेता का अभिनेत्री बनेगा, बूढ़ा का बुढ़िया बनेगा। इस प्रकार से आप बनाना जानते होंगे, लेकिन कुछ विशेष संज्ञाएं होती हैं जिनका सदैव पुल्लिंग ही रहता है, जैसे चीता, तेंदुआ, मच्छर, कछुआ, ये सदैव पुल्लिंग में ही जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसलिए इनको बिल्कुल याद रखना है कि सदैव पुल्लिंग किनको किनको, जैसे चीता है, तेंदुआ है, मच्छर है और कछुआ आदि। ठीक इसी प्रकार से कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिन्हें हम केवल स्त्रीलिंग में ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बतख है, तितली है, मछली है और भेड़ है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और पहली बार चैनल पे आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।